लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भागलपुर में 26 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए एनडीए प्रत्याशी सह निवर्तमान सांसद अजय कुमार मंडल ने मंगलवार को लगातार दूसरी बार भागलपुर लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। बता दें कि इस दौरान भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, लोजपा, रामविलास और हम पार्टी समेत एनडीए घटक दल के नेता और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल दिखाई दिया। वहीं बता दें कि इससे पूर्व भागलपुर गौशाला परिसर से एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में विशाल रैली निकाली गई, जो कोतवाली चौक, स्टेशन चौक, वैरायटी चौक, घंटाघर चौक और शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होकर कचहरी चौक स्थित समाहरणालय में जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंची। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपने नेता और भागलपुर लोकसभा एनडीए प्रत्याशी अजय कुमार मंडल के समर्थन में जमकर नारा लगाया, साथ ही मतदाताओं से एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में मतदान करने की अपील की। इधर नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद एनडीए प्रत्याशी अजय कुमार मंडल ने कहा कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे देश की जनता एकजुट है और इस बार 450 से अधिक सीट जीतकर दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। जनता का हर मुद्दा वो मेरा चुनौती भी होगी। अजय जी, चुनौतियाँ क्या, पिछले बार क्या छूट किया था जो इस बार पूरा? हवाई जहाज की मांग सब मौन पूरा होगा। आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, राजकाल में इतना काम हो रहा है पूरे देश के अंदर। समर्थन में कौन बोल रहा है? बड़े बड़े नेता, बहुत सारे नेता हमारे आशीर्वाद मिल रहा है सर। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं 400 पार होगा, क्या लग रहा है बिहार में और देश में? नरेंद्र मोदी कह रहे हैं 400 पार होगा, जनता कह रहा है कि आपको हम 450 पार कर देंगे। हम लोग तो कम ही बोल रहे हैं, जनता उससे ज्यादा, जनता का आवाज उससे ज्यादा, जनता का आशीर्वाद। क्या मुद्दा क्या है आपका, बताइए मुद्दा क्या है? कहाँ लगा रहे हैं भैया आइडिया? अरे हम क्या रहे हैं, पूरा 20 रना हुआ है। आप हमको क्या कह रहे हैं, पूरा 20 ही देश रना हुआ है, हम देश से बाहर। क्या लग रहा है?